हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो महाराष्ट्र के संत के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो महत्वपूर्ण संत थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये कुछ ऐसे संत थे जिन्हें हम वैष्णव संत के नाम से जानते हैं। यह भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया था। वारकरी संप्रदाय को इन्होंने जन्म दिया था। पंढरपुर की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। जो वारकरी संप्रदाय है वह वार्षिक तीर्थ यात्रा पर बल देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ। मतलब ये महत्वपूर्ण तौर से देखा जाए तो ये लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय होता है। इसी में कहता है, इस प्रकार के जितने भी संतों का उदय हुआ वह 13 शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है। कहता है 13 से लेकर के 17 सेंचुरी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। तो कब से कब तक? तो 13 से लेकर के 17वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। मतलब कि महाराष्ट्र में जो कविताएं या जो कवियां कविताओं को कवियों को लिखा गया वह मराठी भाषा में लिखा गया, लेकिन मराठी में भी किस में, तो वह सरल शब्दों में लिखा गया। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेठा का परिवार था, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति के थे। महार जाति के थे। जब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है महार, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और भी बनता है। आपने नाम सुना होगा B.R. अम्बेडकर का नाम सुना होगा। जो B.R. अंबेडकर थे वह भी महार जाति से आते थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। मतलब यह हुआ कि ये जो विट्ठल का मंदिर था ये विष्णु के तौर पर प्रसिद्ध था, जो व्यक्ति के जनमन के अंदर विराजमान देखने को मिल जाता है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड का मतलब होता है पूजा पाठ करने के तरीकों, इसके साथ साथ पवित्रता, उनके काम करने के तरीकों के पवित्रता, कितने शुद्ध तरीके से वो काम करते हैं, इनके ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध करते हैं। मतलब इन लोगों ने भी समाज के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को हमने बंद करने का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि संन्यास व्यक्ति को अपने जीवन में जो कर्म होता है उनसे पीछे खींचता है, इसीलिए इन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमें जीवन बिताना चाहिए लेकिन अपने परिवार के साथ। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना होता है। मतलब कि यदि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति का मतलब होता है कि आप दुखों को बांटो, ना कि दुखों को फैलाने का काम करो। इससे एक नया मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने बताया है। उनका विचार था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई ना जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई ना जाने रे। आइए, इसी के ऊपर एक बात कही जाती है कि सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। कहता कि यह संत तुकाराम का एक अभंग, अभंग का मतलब होता है मराठी भक्ति गीत है अभंग में, जिसमें बताया जाता है कि जो जो दीन दुखिया पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ होता है। वह हर एक परित्याग व्यक्ति को अपने दिल से
लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। वही क्या है? वही संत है, ऐसा कहा जाता है। तुकाराम का कहना है, मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखो मठ के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मैंने मेरे प्रभु मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करते तो देखो, हमें जीवन भर जुठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जुठन का मतलब होता है जो हम खाना छोड़ देते हैं, उसे जुठन कहा जाता है। यहाँ पर आगे कहता है, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का मतलब कि बेटा कर मामेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। ये जो बातें कही जाती है, ये बातें जो है वह समाज के जो विभिन्नता में मिलती है, वह विभिन्नता के बारे में उजागर करती है और बताती है कि समाज है वह विभिन्न आधारों पर क्या हुआ है, तो विभिन्न आधारों पर बटा हुआ है, ये बताने का प्रयास करता है ये कविता है विभिन्नता। ठीक है क्लास, आगे से बात करता है क्या, आगे बात करता है नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो क्लास आज का टॉपिक हमने जो बात किया, ये कैसा लगा आप जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।